हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन कैसे हैं सब लोग आज हम लोग मैथ्स वन का एक क्वेश्चन सीख रहे हैं क्वेश्चन है आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास स्टैंडर्ड अपॉन टू टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड एंड रिमेनिंग टू स्टूडेंट्स आर स्टडी इन द रूम फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास देखो क्वेश्चन क्या है टोटल स्टूडेंट्स क्लास में जितने हैं उसमें सेवन अपॉन टू टाइम्स और रूट टोटल बच्चों का ग्राउंड पे है और सिर्फ दो स्टूडेंट एग्जैक्ट टू स्टूडेंट्स क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं तो बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं तो टोटल स्टूडेंट्स में कौन कौन है एक जो ग्राउंड पे खेल रहे हैं प्लस जो क्लास में स्टडी कर रहे हैं ओके okay. तो हम कंसीडर करेंगे लेट टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स ओके अब प्ले प्ले ग्राउंड पे कितने हैं बच्चे हैं रीड करो सेवन अपॉन टू टाइम्स सेवन अपॉन टू टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट कितने एक्स ये वाले प्लेइंग ऑन द ग्राउंड प्लेइंग ऑन ग्राउंड ये स्टूडेंट्स हैं ओके okay. और क्या लिखा हुआ है टू स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स ये कौन है जो स्टडी कर रहे हैं टू स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ओके तो जो ग्राउंड पे हैं और जो स्टडी कर रहे हैं दोनों मिला के टोटल बच्चे हैं तो लिखेंगे बाय द कंडीशन ये जो ग्राउंड पे बच्चे हैं सेवन अपॉन टू रूट एक्स प्लस टू स्टूडेंट्स जो क्लास में स्टडी कर रहे हैं और इक्वल टू एक्स क्योंकि ये टोटल बच्चे हैं सबसे पहले इस प्लस टू को हम यहां शिफ्ट करेंगे माइनस टू में आ जाएगा सेवन अपॉन टू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अब हम ये जो डिनोमिनेटर में टू है वो इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से हाँ एक्स से भी और माइनस टू से भी तो ये हो जाएगा सेवन रूट एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर है ना टू टू जा फोर हो गया अब सेवन हम शिफ्ट करेंगे डिवाइड में तो ये हो जाएगा 2x एक्स माइनस फोर अपॉन सेवन नाओ रूट निकालेंगे यहां से रूट निकालेंगे तो यहां स्क्वायर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर सेवन को भी स्क्वायर मिलेगा यस yes. तो x इज इक्वल टू अब यहां पे हम होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू फोर सिक्सटीन एक्स प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन अपॉन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन करेक्ट अब आप आगे देखते हैं नॉमिनेटर में फोर्टी नाइन है उसको हम शिफ्ट करेंगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन करेक्ट अब ये एक्स एक्स के साथ हम यहां पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस फोर्टी नाइन यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी फोर एक्स स्क्सटी एक्स माइनस फोर्टी एक्स प्लस एक्स स्क्वाइनस सिक्सटीन और माइनस फोर्टी नाइन माइनस माइनस प्लस तो 49 और 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस सिक्सटी फाइव एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो नाउ अब आगे फोर है और पीछे सिक्सटीन है तो पहले इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे रफ पेज पे फोर इन टू सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्सटी फोर फिर हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर सिक्सटी फोर आए और प्लस करने पर हमारे पास प्लस करने पर आना चाहिए सिक्सटी फाइव यस नंबर सोचो मल्टीप्लाई करने पर सिक्सटी फोर और प्लस करने पर सिक्सटी फाइव तो हम बोलेंगे सिक्सटी फोर वन जाओ करेक्ट 64 एंड 1 और एक्स एक्स लगाएंगे अगर पीछे प्लस हो तो आगे वाली साइन दोनों को हम देते हैं तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स एक्स प्लस इक्वल टू जीरो अब दो-दो नंबर्स को अंडरलाइन करेंगे हम लोग तो फोर एक्स कॉमन अंदर बचेगा एक्स माइनस हाँ बोलो बोलो फोर सिक्सटीन जा सिक्स फोर माइनस वन अब ये माइनस की वजह से अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी तो ये आ जाएगा एक्स माइनस सिक्सटीन तो फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस सिक्सटीन और सेकेंड ब्रैकेट में यहां से आएगा फोर एक्स और यहां से आएगा माइनस वन इक्वल टू जीरो अब ये जीरो दोनों को दे देंगे एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो और फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो x is equal to सिक्सटीन और x is equal to वन upon फोर अब आप बताओ किसको इग्नोर करेंगे और क्यों इग्नोर करेंगे तो आप बोलोगे 1 upon 4 is ignored है ना मैं रीजन बता रहा हूं आप इसको रीजन लिखना बिकॉज टोटल cannot be बी fraction तो 1 upon फोर को इग्नोर करेंगे therefore total students टोटल आर सिक्सटीन हमारे क्लास में टोटल बच्चे बैठे हैं सिक्सटीन कितना इजी था तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें यह क्वेश्चन कैसा लग रहा था और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अभी देखो कितना इजी हो गया है कि नहीं तो ऐसे ही हम और भी सम सीखते जाएंगे तो कंटिन्यू रहना सब लोग ध्यान देना ओके टेक केयर बाय